हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वर्जिल का द एनीड। तो ये जो है वर्जिल का जो एपिक वर्क है, ये इंग्लिश लिटरेचर में आता है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो हम वर्जिल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, एनीड है जो इन्होंने लिखी थी इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसके अलावा हम जो है ये इनकी 12 की 12 बुक्स हैं जो, उनकी समरी देखेंगे। उसके अलावा थीम्स जो रहेंगी इनकी वो देखेंगे, और जो मोटिव्स मतलब कि जो मेन लक्षण हैं, विशेष लक्षण जिसे बोलते हैं हम, वो कौन कौन से हैं ये एनीड लिखने के पीछे, वो जानेंगे। और कुछ सिंबल्स यूज़ करे गए हैं, तो कौन कौन सा सिंबल यूज़ हुआ है एनीड में वो देखेंगे। और कुछ इसमें जो है करेक्टर्स हैं जो, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल कहा जाए तो ए टू जेड हम सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि अगली वीडियो जो है आप तक जल्दी पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्जिल के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था पब्लियस वर्जिलस मारो, जिनको पॉपुलरली वर्जिल ही कहा जाता था। और इनका जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 70 BC के आसपास हुआ था, और मांटुआ नाम की एक सिटी है नॉर्दर्न इटली में, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये जो है एक किसान के बेटे थे। तो ये पढ़ाई करने के लिए क्रिमोना गए, उसके बाद मिलान गए, और फाइनली ये रोम गए। तो पढ़ाई के बाद इनको मांटुआ वापस आना पड़ा, जहाँ की इनका जन्म हुआ था, ताकि ये एक्लॉग्स नाम की अपनी शॉर्ट पोइम लिख सके, जो कि इन्होंने लगभग 41 BC के करीब लिखी थी। फिर वहाँ पर एक सिविल वॉर हो जाता है, जिसकी वजह से इनको नेपल्स जाना पड़ता है साउथ में, और वहाँ ये 7 साल गुजारते हैं। और 7 साल के बाद ये अपनी जो इनका वर्क था द जियोर्जिक्स, जो कि फार्मिंग पे था, वो कंप्लीट करते हैं। जो वर्जिल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रेपुटेशन, नाम शोहरत कमाई वहाँ पर। और ये जो एम्परर थे अगस्तस कैसर, इनके मतलब एक पैट्रन थे वो वर्जिल के, ठीक है। तो उनके राज में रहकर उन्होंने काफ़ी शोहरत हासिल की, और गोल्डन एज थी जो रोमन एम्पायर की, उसी दौरान जो है फ्लोरिश हुई। इन्होंने जो इनका वर्क था जियोर्जिक्स वो ख़त्म कर जैसे ही इन्होंने किया, फिर इन्होंने मैग्नम ओपस नाम का इनका जो वर्क था वो लिखना शुरू किया। और एनीड जो कि अगस्तस की एज का, मतलब अगस्तस के रीजन का जो वर्क था, और उसमें रोम के बारे में ही बताया गया है। तो एनीड जो है वो लिखी गई थी ताकि वो बता सकें कि जो रोम है, रोम की फाउंडेशन कैसे हुई, बस उसके बारे में दिया हुआ है, पूरी उसी के बारे में एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, अगर बैकग्राउंड आपको वॉइस आ रही है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बता दीजिएगा, अगर कहीं पे कुछ डाउट है या कुछ कमी रह गई हो तो भी बता दीजिएगा प्लीज़ कमेंट करके। तो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम करैक्टर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से करैक्टर्स हैं इसमें, फिर हम आपको बताएंगे समरी, और उसके बाद थीम्स मोटिव्स वगैरह सब चीज़ें, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले करैक्टर्स की बात करते हैं। देखा जाए तो इसमें बहुत सारे करैक्टर्स हैं, मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ करैक्टर्स इन इट। तो बट कुछ जो करैक्टर्स हैं वो मेन हैं, और हम मेन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे इसमें, तो जिनका आपको मतलब पता होना ज़रूरी है, वही आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बात करें इसका जो लोकेशन है वो मेडिटेरियन रीजन के लोकेशन रखी गई है इसकी। तो
करेक्टर्स की बात करें तो एनियाज है जो कि ट्रोजन हीरो है जिसके ऊपर बेस्ड है ये पूरी कहानी, उसकी पूरी लाइफ, उसकी कहानी जो भी थे उसके संघर्ष वगैरह उस सब की इसमें एक्सप्लेनेशन है। उसने कैसे सिटी फॉर्म की, कैसे सिटी मतलब ढूंढी, तो वो सब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको जो ट्रोजन हीरो एनियाज था इसको मतलब बोला गया था कि ये रोमन रेस की फाउंडेशन करेगा। और इसके अलावा टीडो है जो कि क्वीन है कार्थेज की, जो कि इससे एनियास से ब्लाइंडली एक तरफा बोल सकते हैं या पागलों की तरह इसको इससे लव करती थी। तो इसके अलावा एना है जो कि डीडो की सिस्टर है, डीडो की बहन है। एनकाइसिस है जो एनियास का फादर है, और एस्केनियस है जो कि एनियास का बेटा है। इसके अलावा कुछ गॉड्स हैं इसमें, जैसे कि वीनस है, जुपिटर है, जूनो, और भी बहुत सारे हैं। धीरे धीरे कर आपको सभी बताते जाएंगे। तो पहले हम डिटेल में जान लेते हैं एनियास। तो एनियास जो है वो ट्रोजन का बेटा है। तो इसके फादर जो हैं उसका नाम है, फादर का नाम है एनकाइसिस, और इसकी मदर का नाम है वीनस। और वीनस जो है वो गॉडेस है ब्यूटी की और यूरोटिक लव की, ठीक है। तो इस वजह से एनियास जो है ही इन्जॉयज़ अ स्पेशल डिवाइन प्रोटेक्शन, ठीक है। उसकी वजह से उसको मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम में होता है, डिफ़िकल्टी में होता है, तो उसको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि भगवान से उसको रक्षा करना, ऐसा उसको रक्षा मिलती है। तो उसके बाद इस एपिक में एनियास को चूज़ किया गया होता है। पूरी जो सृष्टि है, जो देवता हैं, जो भी गॉड्स हैं, उनके द्वारा एनियास को चूज़ किया जाता है ताकि वो रोम सिटी है जो उसकी फाउंडेशन करे, ठीक है। इसके अलावा डीडो है, उसके बारे में बताया आपको कि वो कार्थेज की क्वीन है, और ये एक विडो है, विडो होती है ये। तो मतलब इसका जो भाई होता है वो इसके हस्बैंड को मार देता है, इसके हस्बैंड का नाम था साइकियस, तो उसको मार देता है। और उसके बाद ये जो डीडो है वो मजबूर हो जाती है वहाँ से भागने के लिए, वहाँ से भाग जाती है, और ये नॉर्थ अफ्रीका की कोस्ट पे एक सिटी की फाउंडेशन करती है जिसका नाम होता है कार्थेज, ठीक है। तो इसके अलावा इसकी एक बहन, उसके बारे में बता दिया आपको एना। तो जो डीडो है उसका रोल, देखिए आपको बताया था ना कि 12 बुक्स हैं ओवरऑल, तो डीडो जो है इसका रोल जो है वो फर्स्ट 4 बुक्स में ही है ज़्यादा, मतलब इसका रोल पहली 4 किताबों में ही है, आगे की स्टोरी जो है वो आगे बढ़ जाती है। और ये कुछ रीजंस की वजह से ये एनियास से दूर हो जाती है, ये जो दूरी होती है इनकी, इनके दरमियान जो दूरी आती है ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सुसाइड कर लेती है। तो 4 बुक्स तक ही इसकी जो है सीमित है कहानी। तो इसके अलावा टर्नर्स होता है, जो टर्नर्स है वो डीडो का काउंटर पार्ट ही समझ लीजिए आप, वो है। और एक जूनो जो है गॉड है जो कि ट्रोजन से एनियास से थोड़ी नफरत करती थी, तो ये उसका मतलब उन्होंने ऐसा कुछ किया था कि टर्नर्स जो था वो एनियास के खिलाफ था। अब नफरत क्यों करती थी वो आगे चल के बताएंगे आपको। तो जो है टर्नर्स की लड़ाई होती है इसके साथ, एनियास के साथ, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले एनियास जो है उसको छोड़ देता है, दया कर लेता है उस पर, छोड़ देता है, लेकिन बाद में उसको मार भी देता है। मारता क्यों है, पहले दया करता है फिर मारता है, तो मारता क्यों है अगर दया ही करनी थी तो, या फिर यूँ कहें कि अगर दया की तो फिर मारा क्यों, तो वो भी आपको बताएंगे आगे चल के। पहले हम आगे वाले करेक्टर्स जान लेते हैं। इसके अलावा एस्केनियस है जो कि एनियास का बेटा है, और ये इसकी जो पहली वाइफ है, एनियास की फर्स्ट वाइफ है जो क्रूसा, उसका बेटा है, क्रूसा और एनियास का बेटा एस्केनियस। और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल है एनियास की डेस्टिनी का और उसकी फ्यूचर फाउंडिंग ऑफ रोमन रेस का, ठीक है। और
इसके अलावा एनकाइसिस आपको बताया एनियास के फादर थे और वो सिंबल थे एनियास के ट्रोजन हेरिटेज के। उसके अलावा क्रूसा आपको बताया एनियास की वाइफ थी जो कि शुरुआत इस कहानी की ट्रॉय सिटी में होती है, तो ये ट्रॉय में इसकी वाइफ थी और एस्केनियस की मदर थी, तो ये भी एक्सपायर हो जाती है, ये ट्रॉय में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके अलावा लैटिनस है वो लैटिनस का किंग है, लेविनिया है लैटिनस की बेटी है, अमाटा है वो क्वीन है लैटिनस की और लैटिनस की वाइफ और लेविनिया की मदर है। इवेंडर जो है ये है एक रीजन है आर्केडिया का इटली में, उनका ये राजा होता है, पैलेंटियम का किंग होता है ये और ये फादर होता है पालास का। तो पालास इवेंडर का बेटा है। पालास कौन था, ये सब हम कौन कौन सा कैरेक्टर कहाँ कहाँ आता है ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा गॉड्स की बात करें तो जूनो है, वीनस है, जुपिटर है, नेपच्यून, मर्करी, एओलस, क्यूपिड, एलेक्टो, सैटर्न, अपोलो, बहुत सारे करैक्टर्स हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस ये जो एपिक है इसमें हंड्रेड्स ऑफ करैक्टर्स हैं जो कि मतलब आपके दिमाग में बैठना भी मुश्किल है एकदम से ऐसे, लेकिन जो मेन करैक्टर्स हैं ना हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो ज़्यादा मायने रखते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमने करैक्टर्स भी देख लिए, हमने जो है विर्जिल का ओवरऑल विर्जिल का देख लिया, विर्जिल की लाइफ के बारे में उन्होंने ये कैसे लिखा। अब हम जाएंगे आगे और एनिएड की जो है वो समरी करेंगे, ठीक है। तो छः की छः बुक्स की समरी करने वाले हैं हम, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लंबी वीडियो देखने में तो आप प्लेबैक स्पीड जो है वो आप बढ़ा सकते हैं, आप 1.5x पे देख सकते हैं, 2x पे भी देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके भी बता दीजिएगा और चैनल ग्रो करने में भी हेल्प करिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ आती रहें और हम भी मोटिवेट हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होगी, ये मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी पे एनियास और उसके जो फेलो ट्रोजन, अब जो एनियास है वो ट्रोजन हीरो, मैंने आपको बताया था वो ट्रोजन हीरो है, ट्रोजन था ये एक, तो एनियास और उसके जो फेलो ट्रोजन थे, उसके साथ वाले जो ट्रोजन लोग थे, वो सिटी ऑफ ट्रॉय में रहते थे। वहाँ पर अचानक से जो है उनका ग्रीक्स का हमला हो जाता है, क्यों होता है वो भी बताते हैं आपको। जो ये बात चल रही थी गॉड्स में, तो लड़ाई होती है गॉडेस के बीच में, एरिस होता है जो, वो एक गोल्डन एप्पल थ्रो करता है गॉडेस के बिफोर उनके सामने और बोलता है, ओलंपस में ये सब कहानी जो है वो घटती है, तो उनको बोलता है कि ये प्राइज़ है फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग देम। तो तीन कौन सी थी वो, जूनो, वीनस और माइनर्वा, ये तीन क्लेम करती हैं कि हम ब्यूटीफुल हैं और तीनों में लड़ाई हो जाती है। तो जो वीनस थी वो थी एनियास की मदर, आपको पहले भी बताया मैंने, तो जूनो और मिनेर्वा, ठीक है, ये तीन थे। तो इन्होंने पेरिस ऑफ ट्रॉय को जज किया एज अ मोस्ट हैंडसम अमंग द मॉडल्स, तो जितने भी मॉडल्स हैं उनमें सबसे हैंडसम इन्होंने बोला पेरिस ऑफ ट्रॉय है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इन सेक्रेट हर जो गॉडेस है अपनी तरफ से ब्राइब देने की कोशिश करती है उसको, और एंड में क्या होता है, जो एप्पल है वो मिल जाता है वीनस को, क्योंकि उसने सबसे अट्रैक्टिव गिफ्ट यानी कि एक ब्राइड हेलेन दी थी उसको, पेरिस ऑफ ट्रॉय को, जो कि आपको ये पता होना चाहिए कि हेलेन जो है वो ऑलरेडी मैरिड थी मेलेनस से, और जब ये जो वीनस ने उसको गिफ्ट करी ये हेलेन, तो जो पेरिस ऑफ ट्रॉय था वो हेलेन को लेकर
पहले ओलंपस में बात चल रही थी ना, ये आपको बताया था, तो वो हेलन को लेकर वापस ट्रॉय आ जाता है। तो जो ग्रीक था, उसका हस्बैंड था जो, वो और जो ग्रीक आर्मी थी वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी वाइफ को वो वापस लेने के लिए अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर ट्रॉय में अटैक कर देता है और धोखे से अटैक करते हैं। एक वुडन हॉर्स की बैली में अपने जो सैनिक थे वो लेकर आता है और वहाँ पर अटैक करता है, अपनी वाइफ वहाँ पर सब तबाह कर देता है। लगभग 10 साल तक चलता है शायद ये लड़ाई, काफ़ी देर तक चलती है। तो सब तबाह हो जाता है, हर जगह आग मतलब आगजनी, घर तबाह हो जाते हैं, सब लोग मारे जाते हैं। और जो एनियास की पहली पत्नी थी वो भी यहीं पे मारी जाती है। तो सब मैक्सिमम सभी लोग ही मारे जाते हैं और वो अपनी वाइफ जो है हेलन को लेकर वापस चले जाता है। अब क्या होता है, अब जो था ब्यूटी वाला, जो उन्होंने बोला था कि मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन गॉडेस, सॉरी मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस का जो खिताब था वो वीनस ले जाती है और जूनो और माइनर्वा ऐसे ही एक दूसरे का मुँह देखते रह जाते हैं। तो होता क्या फिर, इनको क्योंकि अब वो जो था पैरिस ऑफ ट्रॉय था, ट्रॉय का पैरिस था, तो अब उनको ट्रॉय से ही नफरत हो जाती है। इसीलिए वो हेलन के हस्बैंड के अंदर ऐसा क्रूरता वाली शक्ति पैदा कर देते हैं कि वो वहाँ पर लड़ने चले जाता है और सब तहस नहस कर देता है और अपनी वाइफ को लेके वापस चले जाता है। लेकिन अब सब यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी थी, लेकिन जो एनियास था वो, उसके फादर थे जो, वो एनियास का बेटा और कुछ जो ट्रोजन से, वो वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये इटली जाने के लिए वहाँ से निकलते हैं ताकि, क्योंकि एनियास को ऐसे मतलब ही वॉज डेस्टाइन टू फाउंड रोम, तो उसको ऐसे आभास था कि उसको हुक्म था कि वो रोम की फाउंडेशन करे। अब वो ज़िंदा था, उसको भी लगा कि शायद किस्मत थी तभी, बाकी सब तो मारे गए और हम किस्मत वाले थे तभी ज़िंदा। लेकिन वो मतलब इटली इतनी आसानी से पहुंचता नहीं है, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको। जैसे ही अब वो जा रहे थे तो डेस्टिनेशन के पास ही थे, तो एक बहुत ज़्यादा वायलेंट स्ट्रॉम आ जाता है, बहुत ही खतरनाक, उसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक जाते हैं और उनको कार्थेज पे रहना पड़ता है। कार्थेज पे जैसे वो लैंड करते हैं तो डीडो थी जो क्वीन थी कार्थेज की, वो उसका वेलकम करती है और बातें वगैरह होती हैं, डिनर होता है उनका। एनियास से वो पूछती है कि क्या हुआ था, तो एनियास पूरी कहानी बताता है कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था, लड़ाई हुई थी, सब तहस नहस हो गया, मुझे रोम सिटी की फाउंडेशन करने का हुक्म मिला है, कुछ डिवाइन शक्ति थी उसने मुझे बोला है ऐसे, और मुझे भी लगा कि शायद ये मेरी किस्मत थी, शायद मैं इसीलिए ज़िंदा हूँ ताकि मैं उस सिटी की फाउंडेशन कर सकूँ। और ये जो डीडो को सब कुछ बता देता है, फिर वो वहाँ पर मतलब कुछ देर तक रहता है, पूरे सीज़न तक रहता है, जब तक स्प्रिंग नहीं आ जाती तब तक वो वहीं पर रहता है और दोनों में एक प्यार की भावना आ जाती है। लेकिन उसके बाद जो था ये एनियास को, एनियास ऐसे लगता है कि एनियास को भूल ही गया कि उसको आगे जाना है रोम में, तो वो वहीं पे बिज़ी रहता है डीडो के साथ और डीडो उसका एंटरटेनमेंट करती रहती है। और ये सब चल रहा होता है कि अचानक जो इसका एनियास का बेटा था जो एस्केनियस, वो याद दिला देता है इसको कि आपको वहाँ जाना है। तो एनियास सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, डीडोस का जो उससे सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो मर जाती है, अपने आप को आग लगा लेती है, सुसाइड कर लेती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ट्रोजन्स जो हैं इटली की तरफ दोबारा कार्थेज से जाने लगते हैं, दोबारा वेदर, और ये वेदर जो है अपने आप ख़राब नहीं हो रहा था, ये जूनो और बाकी जो थे, जो मतलब डिवाइन पावर्स थी, जूनो थी, गॉडेस थी, वो कर रही थी ताकि ये वहाँ पर ना जाए और नई सिटी ना फाउंड करे, क्योंकि उसको नफरत थी इससे, क्योंकि ये ट्रोजन था
और ट्रॉजन से नफ़रत क्यों थी? क्योंकि उन्होंने ब्यूटीफुल गॉडेस का किताब वीनस को दिया था, उसको नहीं दिया था, इसलिए वो सबसे नफ़रत करती थी। तो फिर वो फिर चले जाते हैं सिसिली में। सिसिली में उनको रुकना पड़ता है क्योंकि दोबारा तूफान आ जाता है। तो वहाँ पर एनकाइसिस की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर उनका वो कफन दफन सब कुछ करते हैं। उसके बाद जो अचानक से एक जो वुमेन थी ट्रॉजन्स की थी, वो अचानक से आग लगा देती है शिप्स को, और आग लगा देती है शिप्स को, और ये भी जूनो का ही किया धरा था। वो उसको ऐसे कुछ करती है कि वो वायलेंट होकर आग लगा देती है, लेकिन वो बारिश हो जाती है और किसी तरह आग जो है वो बुझ जाती है। और ये बारिश, ये जो भी सीन्स थे, ये सब ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो नीचे लोग जो भी कर रहे थे या जो भी हो रहा था, वो एज अ कठपुतलियाँ थी और सब कुछ ऊपर से प्री प्लान्ड होकर आ रहा था। लड़ाई गॉडेस की और गॉड्स की जो भी थी उनकी थी। तो बारिश जो है बुझ जाती है, और उसके बाद एनियास को अपने फादर जो हैं वो सपनों में आते हैं, और वो बताते हैं कि आपको एनियास आपको आगे इटली की तरफ कैसे कैसे जाना है, पूरी सब बातें बताते हैं। और फिर वो एक सिबाइल ऑफ क्यूमे के साथ अपने फादर अंडरवर्ल्ड जाते हैं अपने फादर को विज़िट करने। और वहाँ क्या था कि वहाँ पर कोई ज़िंदा इंसान नहीं जा सकता था, तो जो सिबाइल थी वो उसको बोलते हैं, प्रोफिटेस थी एक, वो बोलती है कि वहाँ वही जा सकता है जो जिसको बुलावा आया हो। और वो बोलता है कि हाँ मुझे ऐसा आभास हुआ था, मेरे फादर ड्रीम्स में आए थे। तो वो बोलते हैं कि मुझे प्रूफ करो कि आपको डेस्टिनी ने वहाँ अंडरवर्ल्ड जाने के लिए बुलाया। तो वो बोलती है कि जंगल है, वहाँ से आपको गोल्डन बॉल आनी है, अगर आप ला पाए तो इसका मतलब कि वो एज अ एंट्री एंट्री के लिए एक एंट्री कार्ड की तरह होगा, अगर आप ले आए तो मैं आपको लेकर जाऊंगी अंडरवर्ल्ड। तो वो उसको अंडरवर्ल्ड लेके जाती है, वो ले आता है बो को एनियास और अंडरवर्ल्ड लेके जाती है। वहाँ पर वो सबसे मिलता है, जो वहाँ पर वो देखता है कि जिन जिन लोगों को अच्छे से जो बरी नहीं हो पाए हैं, मतलब जिनका लास्ट जो क्रियाएँ जो भी होती हैं एक्सपायर होने के बाद, वो फुलफिल अच्छी तरह से नहीं हुई हैं, वो वहीं पर भटक रहे थे, और जो अच्छे से जिनका हो गया है सब कुछ, अच्छे से बरी हो गए हैं सब, वो आराम से वहाँ पर रह रहे थे। वहीं पर वो डीडो से भी मिलता है। तो डीडो, जबकि वो जो थी डीडो, वो उसकी तरफ जैसे ही आती है उसकी शेडो दिखती है डीडो की एनियास को, वो रो रही होती है। तो एनियास उसको बोलता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से तुम्हें नहीं छोड़ा था। जैसे वो ऐसा बोलता है, डीडो पलट जाती है और अपने हस्बैंड के पास, हस्बैंड की तरफ चली जाती है। तो जो एनियास था उसको दुख फील होता है, और वो कुछ देर आंसू भी बहाता है उसके लिए, और फिर अपने फादर से मिलता है। उसके फादर उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि तुम्हें कैसे कैसे जाना है और कैसे कैसे तुम्हारी जो है जो सिटी है उसकी फॉर्मेशन करनी है तुम्हें। तो फिर वो उसके बाद वापस आ जाता है और अपने जो उसके ट्रॉजन्स थे, साथी थे, उनके साथ जाकर वो आगे की जर्नी स्टार्ट करता है। आगे जब जाता है तो किंग लैटिनस था इटली में पहुंच जाता है। किंग लैटिनस था जो उसे मिलता है, वो अच्छे से उसकी मतलब वेलकम करते हैं। और लविनिया, अच्छा अब ये जो किंग लैटिनस है, इसको भविष्यवाणी थी कि तुम्हारा राज्य, एक फॉरनर आएगा वो तुम्हारा राज्य छीन लेगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य बचे और सब लोग बचें तो तुम अपनी बेटी की शादी उससे करवा देना। लेकिन इसकी जो वाइफ थी अमाता, और वहाँ का मतलब एक बहुत ही बहादुर योद्धा था टर्नर्स, वो चाहता था कि वो लविनिया से शादी करे, और माता भी यही चाहती थी कि बाहर वाले फॉरेनर से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊँगी, जो होगा वो लैटिन का ही होगा जो मेरी बेटी से शादी करेगा। तो वो उसको मतलब जो किंग था लैटिनस था, वो अच्छे से उसको ग्रीट वगैरह करता है, वेलकम करता है, और बोलता है उसको अपनी मतलब बेटी का हाथ देने के लिए भी उसको बोलता है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। लेकिन अमाता को ये पसंद नहीं था और टर्नर्स को भी ये पसंद नहीं था। तो इसके बाद क्या होता है, एस्केनियस पड़ जाता है मुश्किल में। वो वहीं पर होते हैं जो उसका एनियास का बेटा था एस्केनियस, वो गलती से एक जो स्टेज था उसको
मार देता है, जो कि लोकल हर्ड्समैन था वहाँ का, लैडिन का उसका श्रेष्ठ था, ठीक है। तो वो उसका पालतू था, उसको मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। वो जो था हर्ड्समैन, वो जाता है राजा के पास, जो लैटिन किंग लैटिनस था, उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि भाई ये इसने मेरे जो स्टेज को मारा है, तो आप इसको बाहर निकालो, इसको मारो, या यहाँ से लैटिन से बाहर निकालो, भगाओ इसको। तो वो राजा इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि उसको कि भविष्यवाणी थी, जैसे कि फॉरनर जो है, तो उसको डर था कि हो सकता है फॉरनर, ये भी फॉरनर है, तो मेरा राज्य छिन जाए, तो वो नहीं बीच में इंटरफेयर करता है। लेकिन अब ये जो वो था टर्नर्स था, उसको इस बात का पता चलता है, और उसको वैसे भी उससे लड़ना ही था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेविनिया की शादी उससे हो। तो उसको इस बात का पता चलता है, तो वो अपनी मिलिट्री लेकर और अपनी आसपास की नेबरिंग जो उसके नेबरर्स थे, उससे नेबरिंग ट्राइब्स थे, उससे मिलिट्री की सपोर्ट लेकर हमला करने की कोशिश करता है वहाँ पर। तो ये जो ट्रोजन्स थे, एनियास भी अकेला था, तो वो उसको रिवर जो थी, टिबर रिवर थी वहाँ पर पास ही, वहाँ पर रिवर गॉड थे जो टिब्रिनस, वो उसको बोलते हैं कि तुम भी ये वाले राज अब राज्य में जाओ, वहीं से तुम्हें हेल्प मिलेगी। उस क्योंकि एनियास ने एक दो राज्य में आसपास सपोर्ट मांगी थी, लेकिन उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो टिब्रिनस के कहने पर वो जाता है सपोर्ट मांगने। तो फिर उसकी जो मदर थी विनस, वो उसको एक न्यू सेट ऑफ वेपन्स दे ला कर देती है वल्कन से। वल्कन जो है विनस का हस्बैंड था, तो वहाँ से ला के देती है ताकि वो कभी ना हारे। तो जैसे एनियास गया होता है वहाँ पर दूसरे राज्य में सपोर्ट मांगने, तो टर्नस जो है वो ट्रोजन्स पर अटैक कर देता है। जैसे ही एनियास वापस आता है, तो वो देखता है कि उसके जो लोग हैं वो घायल हैं, अच्छी तरह से काफ़ी घायल हैं बैटल में। तो जो पालास था, एनियास का जो न्यू एले था एवेंडर, उसका बेटा था, उसको क्या होता है, लड़ाई जब उनमें होती है तो टर्नस उसको मार देता है, ठीक है। तो जब मार देता है, तो उनके भी दोनों तरफ से बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो ज़ख्मी हो जाते हैं। तो जो लैटिन्स थे उनके एक उनका लीडर बोलता है कि उनके पास ऑफर लेके आता है, 12 दिन का टाइम दीजिए, आप भी अच्छे से बरी कर लीजिए, हम भी बरी कर लेते हैं हमारे जो सोल्जर्स हैं जो एक्सपायर हुए हैं। तो वो लैटिन जो एनियास होता है वो मान जाता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर अच्छे से किसी का जो अच्छे से बरी नहीं हुआ तो उसके साथ क्या होता है, वो पहले ही अंडरवर्ल्ड जाकर देख चुका था, तो वो मान जाता है। तो मानने के बाद वो बोलता है, जो लैटिन्स के होते हैं वो बोलते हैं ये तो अच्छे नेचर का है, इसको हमने ऐसे ऑफर किया तो ये मान गया, तो हम क्या करते हैं, हम वॉर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वो उससे बात करता है कि आप वॉर को ख़त्म करो। तो वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, बोलते हैं आपको यहाँ आना है, हम वॉर को ख़त्म करेंगे। वहाँ पर आते हैं तो वो जो है एनियास जो है टर्नस को माफ़ कर देता है, ठीक है रहने दो, नहीं लड़ूंगा। लेकिन टर्नस जो था वो बड़ा ही इगोइस्टिक था, उसको अपनी अहम ज़्यादा प्यारा था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बोलता था कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब हो रही है ये वो, तो उसको अहम ज़्यादा था अपना। लेकिन वो उसको एनियास था उसको माफ़ कर देता है। लेकिन जैसे ही एनियास देखता है कि उसने पालास जो था उसके वेंडर का जो बेटा था उसको मारने के बाद उसकी जो बेल्ट है एज अ प्राइज उसने खुद वियर की हुई है अपनी शोल्डर पे, तो वो देख के एनियास को गुस्सा आ जाता है और एनियास जो है अपनी हथियार से उसको ज़ख्मी कर देता है वहीं पे। तो ज़ख्मी करके उसको मार देता है और फिर इसमें उसकी शादी हो जाती है लेविनिया से और वहाँ पर न्यू सिटी की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरह से। तो होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो अभी थीम्स देख लेते हैं। थीम्स इसमें वही है फेट की, पूरे इसमें ये होता है कि किस्मत से ये डायरेक्शन और जो डेस्टिनेशन थी एनियास के कोर्स की, वो पहले से ही मतलब निर्धारित थी। बस उसको बोला गया था कि आपको यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ पहले से किस्मत ने पहले ही तय करके रखा हुआ था। सुपरनैचुरल फोर्सेस हैं इसमें एनीड में, तो वही जो गॉड्स थे इंटरफेयर कर रहे थे वो सब आपको पहले बताया। इसके बाद सफरिंग्स ऑफ वंडरर्स है इसमें, कि
वो उनको ट्रॉय से उनको जाना था इटली और रोम की फॉर्मेशन करनी थी, लेकिन उन्होंने कितना सफ़र किया, कितना उनको जगह अचानक से स्ट्रॉम आते थे और उनको रुकना पड़ता था अलग अलग जगह, कई बार वहाँ पर उनको खाने को नहीं मिलता था, कई बार उनके जो साथ वाले लोग थे वो मारे जाते थे, लड़ाई हो जाती थी कहीं पे, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो वहाँ पर उसने कार्थेज में डीडो को वो खो दिया उसने, फिर आगे सिसिले गए तो उसने अपने फादर को खो दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन सफ़र करी उन्होंने, तो उनकी शिप्स वगैरह थी उनको आग लगी, तो बड़ा ज़्यादा चीज़ें सफ़र करी उन्होंने। तो उसके बाद इसकी जो अगली थीम है वो है ग्लोरी ऑफ रोम, तो वही है, ये पूरी जो कहानी है वो ग्लोरी ऑफ रोम पर ही बेस्ड है, रोम की जो है वो कहानी बताई गई है कि कैसे उसकी फॉर्मेशन वगैरह हुई है, रोम की जो प्रतिष्ठा है उसके बारे में बताया गया है। तो इसके अलावा मोटिव्स की बात करें तो मोटिव्स इसमें है, मोटिव्स का मतलब होता है विशेष लक्षण, तो मोटिव्स इसमें है प्रोफेसिस और प्रेडिक्शंस, यानी कि भविष्यवाणी और प्रेडिक्शंस होते हैं, वही कि पहले से आपको अंदाज़ा लगा दिया जाता है कि क्या होने वाला है। तो इसमें यही है कि पहले से सब पता होता है, उसको प्रेडिक्शंस होते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना है, न्यू सी रिफॉर्म करनी है, उसके फादर उसको अंडरवर्ल्ड बुलाते हैं, बोलते हैं तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, ये यहाँ यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, सब उसको पहले से ही बताते हैं। फाउंडिंग ऑफ न्यू सिटी है, तो वही न्यू सिटी रोम फाउंड करता है वो, और जो इसमें कार्थेज थे उसने भी न्यू सिटी ही फॉर्म करी थी, जब उसके भाई ने उसके हस्बैंड को मार दिया था, साइकस को मार दिया था, तो डीडो ने भी नई सिटी फॉर्म की थी, अपने भाई के वहाँ रहती थी जब वो भाई के साथ, तो वहाँ से वो भाग गई थी जब उसके हस्बैंड को मार दिया, तो उसने वहाँ पर न्यू सिटी फॉर्म की थी जिसका नाम था कार्थेज। इसके अलावा है वेंजेंस यानी कि प्रतिशोध, रिवेंज, तो इसमें रिवेंज की भावना भी है इसमें, जो कि गलत है, तो इसमें रिवेंज भी है। पहले जैसे कि उसमें दिखाया गया था कि उसने पहले उसको माफ़ कर दिया था टर्नस को एनियाज ने, लेकिन वो जैसे ही देखता है कि उसकी जो बेल्ट है वो उसने अपने ट्रॉफी के रूप में अपने पास रखी है और शोल्डर पे अपने बांधी है, तो वो उसका जो भावना है वो चेंज हो जाती है, वो बदले की भावना आ जाती है और वो उसको मार देता है। और जो है इसमें जूनो भी है, उसको भी बदले की भावना होती है कि जो ब्यूटी का जो खिताब था वो वीनस को मिला, मुझे नहीं मिला, और ये दिया था जो वो था ट्रॉय का था पेरिस, तो उसको उसके ख़िलाफ़ बदले की भावना थी और उसकी इसीलिए नफरत सभी जो भी ट्रॉजन्स थे उनके खिलाफ, सबके खिलाफ बदले की भावना हो जाती है। सिंबल्स की बात करें तो इसमें है फ्लेम्स, जैसे कि इसमें फ्लेम्स की बात है जहाँ की जब डीडो कन्फेस करती है अपना जो प्यार है एनियास के लिए अपनी सिस्टर अन्ना से, तो वो कहती है आई रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ द ओल्ड फ्लेम ऑफ ओल्ड डिज़ायर, तो अपनी प्रीवियस मैरिज को याद करते हुए बोलती है, वो टॉर्च और ब्राइडल बेड को याद करती है, टॉर्चेस जो होती हैं उनकी लिमिट वो फ्लेम्स की पावर को लिमिट कर देती हैं उनको कंट्रोल करके, पर जो न्यू लव जो इग्नाइट हुआ था डीडो की हार्ट में वो शादी के इंस्टीट्यूशन तक फॉर्मलाइज नहीं हुआ, यानी कि ब्राइडल बेड तक नहीं गया वो पहले ही। अच्छा, वो जो थी डीडो थी वो खुदकुशी कर लेती है आग लगा के खुद को, और उसकी जब वो आग की जो लपटें होती हैं वो मेडिटेरियन जो सी थी उसके पास उसकी दूर तक उसकी लपटें दिखाई देती हैं। इसके अलावा गोल्डन बो जो मैंने बताया सिबाइल था, जो सिबाइल थी जो प्रीस्टेस थी जो अपोलो की, उसने उसको बोला था एनियास को कि अगर तुम्हें अंडरवर्ल्ड जाना है अपने फादर से मिलने तो तुम्हें ये जो है गोल्डन बो लाना पड़ेगा एज ए सिंबल कि तुम्हें फेट ने भेजा है यहाँ पर, तुम्हें डेस्टिनी ने भेजा है, तो वो लेकर आता है और वो उसको अपने उसके फादर के साथ मिला देती है। इसके अलावा गेट ऑफ वॉर है, गेट ऑफ वॉर क्या था कि गेट ऑफ वॉर सिंबल है ओपनिंग ऑफ गेट्स ऑफ वॉर का, जो कि इंडिकेट करता है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तो ग्रीक्स में जब लड़ाई की शुरुआत होती है तो वो गेट्स ऑफ वॉर को खोल देते हैं, तो ये सब सिंबल है। इसके अलावा वेदर है, वेदर की वही बात हुई कि
वेदर जो गॉड्स है वो यूज़ करते थे वेदर को एज फोर्स टू एक्सप्रेस देयर विल. जब वो वहाँ नहीं जाना, मतलब जैसे इटली की तरफ जा रहे होते थे, तो वो जो जूनो थी, वो गॉडेस थी, वो नहीं चाहती थी कि वो वहाँ पर जाए, तो वो स्ट्रॉम वेदर ख़राब कर देती है. स्ट्रॉम आ जाता है तो वो रास्ता भटक जाते हैं, कार्थेज रुकना पड़ता है, एक बार सिबाइल रुकना पड़ता है वेदर की वजह से. और इसके अलावा जब वो एक विमेन थी जो वुमेन जब आग लगा देती है शिप्स को, तो वेदर वो भी भगवान का ही किया कराया था सब. तो वो जो था वो वीनस ने बोला था दूसरे गॉड को कि आप बारिश करो ताकि मेरा बेटा जो है वो सफ़र ना करे. और उसकी वजह से तो जैसे ही वुमेन जो है वो आग लगाती है, तो वीनस के कहने पे जो गॉड थे वो बारिश कर देते हैं और आग जो है बुझ जाती है. तो ये सारे थे, तो ये पूरी एपिक की स्टोरी है. कैरेक्टर्स भी डिस्कस कर लिए, सब कुछ डिस्कस कर लिया. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.